नमस्कार। क्या आपने कई बार कई सिचुएशंस में देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने ही बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे बड़ा बेटा अगर बहुत शांत है तो कहेंगे मेरी बेटी तो सारा टाइम चपड़ 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 करती रहती है और मेरा बेटा तो बहुत ही शांत है। या आप ये कहेंगे मेरे कजन का बेटा क्लास में फर्स्ट आया, मेरे बच्चे के तो पास होने के ताले पड़े रहते हैं। या आप ये कहेंगे पैटी मैंने उसका बिहेवियर देखा, उसका बच्चा कितना शांत है और मेरे बच्चे को देखो कैसे केक खा रहा है, इसको तो कभी तमीज़ी नहीं आएगी। ये सब चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स बिना सोचे समझे करते हैं। ये मेरी फर्म कन्विक्शन है, ये मानना है, और मेरा 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वर्किंग विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वो ये है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है। 90% से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों की बढ़ोतरी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में अच्छा करें, वो ये चाहते हैं उनके बच्चे ज़िंदगी में तरक्की करें। लेकिन कई बार क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें इतनी समझ नहीं होती, हमें इतने स्किल्स नहीं होते, हमने इन चीज़ों को ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं किया होता, हम कुछ चीज़ें कर देते हैं जो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं। इनमें सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है कंपैरिजन, अपने बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ कांस्टेंट तुलना करना। हम जब बच्चों की तुलना करते हैं तो उससे हम उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ज़िंदगी में तरक्की करने की एबिलिटी सबको कम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। और फिर हम ये कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे ने कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली खो दिया है। अब ये कंपैरिजन करना, तुलना करना क्यों गलत है? इसके 5 कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हर बच्चे की डेवलपमेंट की एबिलिटी अलग है। हर बच्चा एक अपना डीएनए लेके आया है, अपने संस्कार लेके आया है, एक अपनी पर्सनालिटी लेके आया है। वो अपनी पर्सनालिटी इसलिए नहीं लेके आया कि उसने आपको इम्प्रेस करना है, कि आपको अच्छा अगर लगता है कि बच्चा चुप रहना चाहिए, मेरे बच्चे को तो बहुत चुप रहना चाहिए तो मेरा बच्चा चुप ही रहेगा। नहीं, वो अपनी पर्सनालिटी लेके आया है। आपका काम उसकी पर्सनालिटी चेंज करने का नहीं है, आपका काम यह है कि उसकी पर्सनालिटी की जो ट्रेट्स हैं उनको उभरने का अच्छा मौका दें। कंपैरिजन करके आप उस बच्चे का गला एक तरह से दबा देते हैं क्योंकि आप ये कहते हो तुम मेरे जैसे बनो, जो मैं कह रही हूँ वैसे हो, तुम अपनी वजूद को तो भूल ही जाओ। जैसे मेरी बहन का बेटा क्लास मैथ्स में अच्छा है तुम्हें वैसे ही होना है, नहीं तो तुम्हारा होना या ना होना बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इंग्लिश में अच्छे हो तुम्हें तो मैथ्स में अच्छा होना चाहिए। ऐसा करने से हम कहीं अपने बच्चों की पर्सनालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह होता है कि हमें लगता है कि जी ट्रेडिशनली हमारे फैमिली में तो सब लोग साइंस में अच्छे थे, सब डॉक्टर्स हैं तो हमारे बच्चे को भी साइंस में अच्छा होना चाहिए, और वो बच्चे को साइंस की तरफ कोई रुझान ही नहीं है, वो बच्चा हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है। तो आपको ये लगता है ये कैसे हो गया, ये इतना बड़ा अनर्थ हमारे साथ कैसे हो गया कि हमारा बच्चा जो हम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स हैं एंड ही इज चूजिंग नॉट टू बिकम अ डॉक्टर, ही इज चूजिंग टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, ऑन द कंट्री इज चूजिंग टू ट्रैवल द वर्ल्ड, वो तो सारी दुनिया घूमना चाहता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहता है। हमारी तो नाक कट गई, आपकी नाक इतनी छोटी सी है कि इसी बात पे कटनी थी। आपकी नाक आपकी बदतमीजी से नहीं कटती, आपकी नाक आपके बिहेवियर से नहीं कटती, आपके बच्चे की अंदर की क्षमता, अंदर का जो उसका पर्सनालिटी, उसको ये कह रहा है कि मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे वर्ल्ड देखने का शौक है, मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उसको बिल्कुल घोस देंगे, तुम कोटा जाओ जी पढ़ो, तुम नीट का एग्जाम दो, तुम साइंस करो, मान लिया वो कर भी लेगा, क्या आपका बच्चा कभी खुश रहेगा? जस्ट बिकॉज आपने अपने बच्चे को कंपेयर किया आपकी जनरेशन के लोगों से, उन सब ने साइंस की, वो सब डॉक्टर्स हैं, परफेक्ट लाइफ है, आपके बच्चे को भी वही करनी है, आपने उस बच्चे की इच्छाओं को ख़त्म कर दिया। क्या एक पेरेंट का सबसे बड़ा फर्ज नहीं है कि वो अपने बच्चे को खुश देखें, अपने बच्चे को शांति से देखें? यू नो यू शुड बी वी प्रे दैट आवर चिल्ड्रन हैव अ पीसफुल लाइफ, राइट? सो अपनी एस्पिरेशंस अपने बच्चों पे थोपना दूसरों से कंपेयर करके, ये आपके बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आपके लिए भी उतना ही हानिकारक है जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, मेरी कमीज उसकी समी कमीज से सफ़ेद कैसे, आपके लिए भी उतना ही हानिकारक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं और जब हम
कई बार हम ये करते हैं, अच्छा इस बार ऐसे करते हैं, तुम्हारी क्लास में वो बच्चा है ना जिसके इंग्लिश में 80 मार्क्स आए हैं, हम एक गोल सेट करते हैं, अभी जो फर्स्ट सेकेंड टर्म एग्जाम होंगे ना तुम उसमें 85 लाना। आपने क्या किया, आपने उस बच्चे को ये बताया कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी इच्छा मैटर नहीं करती, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू उसी चीज से आएगी जब आप अपने से साथ वाले के साथ से बेहतर करेंगे। आपने उसको ये नहीं सिखाया तुम्हारी वैल्यू आएगी तुम जब अपने आप को बेटर करोगे। इससे क्या होता है, बच्चे को वो समझ में तो आता नहीं कि आप तो उसकी बेहतरी की बात करेंगे, उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसको उस बच्चे से जलन होनी शुरू हो जाती है, उसको जेलसी होती है, क्यों मेरी मम्मी इसके बारे में बात करती है, क्यों मेरे पापा इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी बात, अब उस बच्चे को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मेरे 80% मार्क्स आ गए, उसके 85 आ गए, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं पे बच्चे का हार्ट कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, हम कंपैरिजन नहीं करते, और जब हम करते हैं और हम अपने आप को ही कन्विंस करते हैं कि हम कंपैरिजन थोड़ी कर रहे थे, हम तो अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेशन करने के और बहुत तरीके हैं, किसी और को सिचुएशन में लाने से मोटिवेशन करने से कुछ नहीं होता है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन, कंपैरिजन हैज नथिंग वेरी पॉजिटिव गोइंग फॉर इट। आप कंपैरिजन किसी को मोटिवेट करने के लिए नहीं कर सकते, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑरेंज को एप्पल के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, एप्पल एप्पल है ऑरेंज ऑरेंज है, या आम को सेब के साथ कंपेयर करेंगे कैसे हो सकता है ना, दोनों फ्रूट्स अलग हैं, दोनों का टेस्ट अलग है, क्योंकि वो फ्रूट हैं इसलिए हम उसको कंपैरिजन करेंगे, डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो एज अ पेरेंट हमारा एक आइडिया वो ये है कि हम अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज दें कि वो बिल्कुल खिल के उभरें। हमारा ये ड्यूटी नहीं है कि उनको हम कंपैरिजन करके मोटिवेट करें और हम उनकी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर दें। कंपैरिजन से जेलसी आती है, रिजेंटमेंट बढ़ती है, एनवी होती है, गुस्सा आता है, और हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत सारा नेगेटिव असर होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी में उभरता देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन टू अदर चिल्ड्रन। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपने आप को कंपेयर मत करें, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, अपने जीवन में बढ़ोतरी करने की कोशिश करें, अपने से आगे बढ़ें, ट्राई टू बी अ बेटर यू, डोंट ट्राई बी टू बी बेटर देन समवन एल्स। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस चीज़ को बहुत गौर देंगे और अपने आप को कैच करेंगे जब आप कहने लगते हैं हाँ उसके बाद देन यू स्टॉप योर सेल्फ, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं बोलना, इससे मेरे बच्चे की सेहत पे बहुत गंदा असर होता है। अगर आप इन चीज़ों को कॉन्शियसली इनके बारे में सोचेंगे, दे विल कम अ पॉइंट आफ्टर प्रैक्टिस कि आप इनको करना बिल्कुल बंद कर देंगे, एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर यू योर चाइल्ड एंड योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।